عدوك وعدونا إله الحق آمين. بهلول एक दाना और अकलमंद इंसान था जो कि इमाम के असहाब में से था, लेकिन वो एक खास मकसद यानी लोगों की नसीहत के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए पागलपन का मुजाहिरा करता और इस तरह वो बगैर मुश्किल में पड़े लोगों को बहुत कीमती बातें बताता और बहुत अच्छे अच्छे सबक सिखाता। एक दोपहर बहलोल ने एक नई तामीर शुदा मस्जिद के करीब कुछ लोगों को देखा जो बहुत खुश हो रहे थे। लोगों ने आखिरी ईंट को लगते हुए देखा और उसके साथ ही मस्जिद बिल्कुल मुकम्मल हो गई। लोग बहुत ज्यादा खुश थे, मगर सबसे ज्यादा खुश वो अमीर इंसान था जिसने मस्जिद के लिए पैसे दिए थे। अमीर आदमी ने मस्जिद का नाम रखने के लिए ऐलान किया, ये मस्जिद बहुत आला और खूबसूरत है, सिर्फ इसका नाम रखने की जरूरत है और मेरा मशवरा ये है कि इसे मेरा नाम दिया जाए। क्या किसी के पास कोई और तजवीज है? बहलोल ये सुनकर आगे बढ़े और अमीर आदमी से एक सवाल किया, माफ कीजिएगा, आपने ये मस्जिद किसके लिए तामीर कराई? अमीर आदमी ने बहुत अकड़ कर जवाब दिया, बेशक ये मस्जिद मैंने अल्लाह के लिए तामीर कराई है। हाँ बेशक, अगर कोई और सवाल नहीं तो हम कल सुबह मस्जिद का नाम रखने की तकरीब करेंगे और यहीं मिलेंगे। पूरी रात बहलोल के घर से तराशने और हथौड़े बरसाने की आवाजें आती रहीं। फजर से पहले बहलोल ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। वो मस्जिद की तरफ गया और मस्जिद के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी। जब लोग सुबह की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर लगी हुई तख्ती देखी। लोग बहुत हैरान हुए और अमीर आदमी का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो गरजने लगा, बहलोल कहाँ है, बुलाओ उसे। इतने में बहलोल वहां पहुंच गया। मस्जिद में अपना नाम लगाने से पहले तुम्हारा क्या मकसद है? फौरन इसे नीचे उतारो, इस मस्जिद के लिए पैसे मैंने दिए हैं, लोग ये सोचेंगे कि मस्जिद तुमने बनवाई है। बहलोल ने बहुत आराम से जवाब दिया, आपने तो ये बताया था कि ये मस्जिद अल्लाह के लिए तामीर कराई गई है, क्या अब भी ऐसा ही है? अमीर आदमी बोला, हां बेशक ये सच है। फिर अल्लाह तो ये जानता है कि ये मस्जिद आपने अल्लाह के लिए बनवाई। बहलोल ने बोला, अल्लाह ताला को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि इसकी तख्ती पर किसका नाम लिखा हो, वो तो हमारे दिलों के राज से खूब वाकिफ है, वो ये जानता है कि आपने ये मस्जिद अल्लाह के लिए ही बनवाई है। हां जाहिर है, लेकिन लोग तो आसानी से मस्जिद का नाम देकर धोखा खा सकते हैं, और अगर आप इस वजह से परेशान हैं तो मैं तख्ती उतार लेता हूं। अमीर आदमी कुछ शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब ना था और ना चाहते हुए भी कहने लगा, चलो तुम तख्ती को लगा ही रहने दो।